नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स ब्लॉक AAC ब्लॉक का फिक्सिंग का प्रैक्टिकल वीडियो देखने वाले हैं। AAC ब्लॉक का प्रॉपर्टीज और रेड ब्रिक के साथ कंपैरिजन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो वहाँ जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल। ये एक पुराने घर का रिनोवेशन का काम है, जहाँ ब्रिक वर्क निकाल करके ब्लॉक वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लॉक वर्क करने से पहले उसका लेआउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये लेआउट ड्राइंग के हिसाब से ये पूरा करते हैं। उसका दीवार टू दीवार डिस्टेंस चेक करना, उसका डायगोनल चेक करना, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्लॉक वर्क का जो इनिशियल हम करते हैं लेआउट, इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में पेरनी बोलते हैं, जिसके हिसाब से वो पूरा डायमेंशन दीवार के दोनों साइड से फिर ओपनिंग के साइड से मेजरमेंट चेक करते हैं। और ये बॉटम लेयर जो है स्टार्टिंग लेयर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरा दीवार आता है, तो ये करते समय बहुत ही केयर लेना पड़ता है। ये देखिए बार बार इधर इससे टेप से मेजरमेंट चेक कर रहे हैं, उसके साथ ही क्रॉस चेक करने के लिए सामने वाले दीवार से भी ये मेजरमेंट ले रहे हैं, ताकि वो डायमेंशन अपने को मिले। इसका बॉटम लेयर है, इसलिए इसमें एक कलर सैंड और सीमेंट का मिक्सचर डाला हुआ है, और आगे में ऊपर में वो इसका AAC ब्लॉक के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, उसमें पानी मिला करके वो जॉइंट के लिए वो केमिकल यूज़ करते हैं। अभी ये ब्लॉक जोड़ते समय सबसे पहले और एक प्रिकॉशन लेते हैं कि ये इसका लाइन परफेक्ट होना चाहिए, और उसका वर्टिकलिटी प्लम्बा बोलते हैं, या फिर उसको वलम्बा बोलते हैं, वो वलम्बा चेक करते हैं, वो सीधा होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आगे का दीवार भी सीधा होता है। तो मेजर मेन पॉइंट से लाइन लेवल और उसका प्लम ये परफेक्ट होना चाहिए, और उसका डायमेंशन एज पर ड्रॉइंग। अरे AAC ब्लॉक है, लाइट वेट है, तो वो लगाने में भी आसान है, और इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये कंपेयर टू ब्रिक वर्क इसका कंस्ट्रक्शन फास्ट है, तो इसके लिए इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अरे फुल साइज के AAC ब्लॉक लगाने के बाद में अगर कुछ गैप बनता है तो वहाँ एक छोटा सा पीस कट करके डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन चेक कर रहे हैं दीवार का। ये AAC ब्लॉक 100 mm थिक और 150 mm थिक के ज़्यादा यूज़ किए हैं। इसमें जहाँ बाथरूम के वॉल्स पे है वहाँ 100 mm थिक का AAC ब्लॉक यूज़ किया है, और जो मेन रूम्स हैं वहाँ 150 mm के थिकनेस का ब्लॉक यूज़ किया है। ये ड्यूरोबॉन्ड करके केमिकल है, जो उसके जॉइंट में यूज़ करते हैं, जिसमें पानी मिक्स करके हर जॉइंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जॉइंट में मिक्स करते हैं। इस स्लैब का सरफेस है थोड़ा अनइवन है, थोड़ा कुछ कंक्रीट जमा है कुछ ये है, तो उसको निकाल के पूरा क्लीन किया जाता है, और पानी मार के वहाँ पूरा गीला करके बाद में ही उसके ऊपर पूरा ये मोटर बिछा के ये इसका काम शुरू करते हैं, ब्लॉक वर्क का काम शुरू करते हैं। और ये लेआउट जितना इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा होने के बाद कंसर्न जो भी आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है उनसे चेक करा के अप्रूव करते हैं, और अप्रूव होने के बाद में ही इसका आगे का लेयर या फिर आगे का वॉल कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। इसका लाइन लेवल मेन इम्पोर्टेंट चीज है। इसका लेवल चेक करते समय लेवल पाइप का या फिर लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। मोटर बिछाते हैं, मोटर बिछाने के बाद में ये ब्लॉक्स उसके ऊपर फिक्स करते हैं।
और फिक्स करते समय उसका लाइन चेक करते हैं और प्लम्ब भी चेक करते हैं। ये मेन रूम का एसी ब्लॉक है, इसमें 150 mm थिक के ब्लॉक्स यूज किए गए हैं। ये पूरा स्लैब सरफेस क्लीन करके उसके पूरा पानी मार के वेट करना और उसके बाद मोटर बिछा के ये ब्लॉक्स उसके ऊपर फिक्स करना, ये मेन प्रोसीजर है। इसमें जो मेन ब्लॉक्स पूरे जो साइज के हैं वो फिक्स होने के बाद में जो छोटा जगह बचता है उसको उसके डायमेंशन के हिसाब से ये ब्लॉक लेते हैं और उसको कटिंग करके, ये देख रहे हैं आप, मशीन से कटिंग करके उसको बैठा लेते हैं। ये कट किया हुआ ब्लॉक है जो बीच में बैठा रहे हैं। ये साथ साथ इसका लाइन और लेवल भी चेक करते हैं, प्लम चेक करते हैं। इधर लेआउट हो गया इसका, एक जस्ट ये पूरा फ्लोर लेवल का लेआउट दे सकते हैं। इसके ऊपर ये चेक करने के बाद में ऊपर का लेयर शुरू करते हैं। अब ये ऊपर का लेयर शुरू किया है, एक के ऊपर एक ऐसे ब्लॉक रखे हैं और ये ब्लॉक रखते समय उसके ऊपर वो केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल लगाने के बाद में जैसे हॉरिजॉन्टल जॉइंट हो, वर्टिकल जॉइंट हो, दोनों जगह ये केमिकल यूज करते हैं। ये दीवार में कुछ एयर होने के बाद में जनरली 1 meter के ऊपर में एक बाइंडर डालते हैं। बाइंडर मतलब 100 mm का कॉन्क्रीट डालते हैं जो उस दीवार को और मजबूत बनाता है। और ये उस बाइंडर के ऊपर अगला लेयर शुरू करते हैं। इधर ये वीडियो में आपको दिख जाएगा वो बाइंडर, और बाइंडर के ऊपर अगला लेयर शुरू है। और ये लेयर करते समय जैसे लाइन दूरी और वुलन या फिर वुलंबा या प्लम चेक करते हैं। और ये लेयर जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट है इसमें केमिकल अप्लाई करते हैं। ये जो बाइंडर्स है, बाइंडर्स को पाटली भी बोलते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट का स्टील का रॉड भी डालते हैं और 100 mm थिक कॉन्क्रीट डालते हैं। ये वॉल का वर्टिकलिटी प्लम्ब से चेक करते हैं। हर लेयर डालने के बाद उसको प्लम्ब से चेक करते हैं और लाइन से भी चेक करते हैं, और टू कॉलम टू कॉलम उसका डिस्टेंस जो भी है एज पर ड्रॉइंग है वो भी चेक करते हैं। उसका क्रॉस चेक सामने वाली दीवार से भी टेप से मेजर करके चेक करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि वो प्लम्ब अप से उसका वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, वर्टिकलिटी चेक कर रहे हैं। इस तरह से ये एसी ब्लॉक का दीवार पूरा ऊपर तक कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि एसी ब्लॉक फिक्सिंग का कैसे करते हैं, उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी देखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।